चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले समझाते हैं क्या होता है, रिएक्शन होते हैं क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट और बहुत सारे एग्जाम में आएंगे, यूज भी होंगे इसका। जैसे कोई भी रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं आर और यहाँ पे सी एल ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग न्यूक्लियो फाइल से, एनयू मान लो ये न्यूक्लियो फाइल है। ठीक है, एनयू को बोलते हैं, इसका नाम है सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, या इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एनयू, मतलब होता है न्यूक्लियो फाइल, न्यूक्लियो फाइल, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो फाइल। अब बात करें किया जाता है कि एल मतलब होता है लिविंग ग्रुप, यहां बताते हैं एल का मतलब होता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, एल का मतलब हो गया लिविंग ग्रुप, ये हुआ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का काम है जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के लिए सर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन वो खींच पाएंगे, तभी इलेक्ट्रॉन खींच करके वहां से जाते हैं। अब बात करते हैं सर, आर मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, एल मतलब होता है लिविंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, अल्काइल ग्रुप के मतलब क्या होते हैं कार्बन, आर के मतलब होते हैं अल्काइल ग्रुप, ये हमारा हो गया अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के मतलब हो गया आपका कार्बन फैमिली, क्या हो गया कार्बन फैमिली। अब इन दोनों में से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये टूटेगा बॉन्ड, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब ये न्यूक्लियस पे माइनस चार्ज है, अब ये माइनस किस पे बॉन्ड बनाएगा प्लस वाला के साथ, जैसे प्लस वाला के साथ बनेगा तो बनेगा आर, और ये आपका हो गया एनयू। अब प्लस में एल जो होगा बाहर हो जाएगा, एल मतलब माइनस चार्ज, लिविंग ग्रुप चला गया, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। यहां तक कोई डाउट, ये हमारा ये रिएक्शन हुआ कि कोई भी सब्सट्रेट अगर न्यूक्लियो फाइल से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है, ये लिविंग ग्रुप चला जाता है। ये रिएक्शन कैसे हुआ, कितने स्टेप में हुए, बीच में क्या क्या हुए होंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर वन क्या हुआ होगा स्टेप वन में, चलो सबसे पहले बात करेंगे कि ये वाला स्टेप, स्टेप मतलब सब्सट्रेट आर होगा एल होगा, आर होगा एल होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा होगा, और जब भी कोई भी सब्सट्रेट अगर बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, जैसे ये टूटेगा एक ऐसा समय आएगा धीरे धीरे, पहले बॉन्ड खींचाता है, जैसे रबड़ को जानते हैं ना, तो रबड़ जैसे खींचते हैं, तो रबड़ को अगर खींचोगे तो धीरे धीरे खींचते जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो रबड़ जो टूटने टूटने वाला सिचुएशन पे रह जाएगा, और उस टूटने टूटने वाला सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। इसी तरह एक बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड अगर बॉन्ड को खींचते हैं तो बॉन्ड धीरे धीरे खिंचाता है, एक समय ऐसा आएगा कि बॉन्ड अब टूटने वाला सिचुएशन रहेगा, और टूटने वाला सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, और जब पूरा तरह से टूट जाएगा तो उसको बोल देते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। जैसे अभी ये बॉन्ड खिंचा रहा है, ठीक है, ये खिंचाएगा तो मान के चलो ये आर है, डॉट डॉट, ये बॉन्ड खींच रहा है, अभी टूटा नहीं है, ये टूटने वाला सिचुएशन है, खींच रहा है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज, ये टूटने वाला सिचुएशन है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं टीएस, टीएस के मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट नंबर वन, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया वन हो गया, ट्रांजिशन स्टेट वन, इसका नाम है सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट अभी ये टूटा ना हुआ, टूटने टूटने वाला सिचुएशन पे है। अब जैसे ये टूट जाएगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब बोलोगे माइनस चार्ज क्यों आया, इस पे प्लस चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि आर अल्काइल ग्रुप होते हैं, एल मतलब लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए अल्काइल ग्रुप से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उस पे आएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आएगा तो इस पे माइनस में टूटेगा, ये किसमें टूटेगा प्लस में, जैसे ये पूरा तरह से टूट जाएगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, और ये टूट गया आपका माइनस चार्ज में। ठीक है, ये सबस्ट्रेट टूट गया, अब जैसे टूट गया तो इसको बोल देंगे हम लोग इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इसको हम लोग बोल देंगे इंटरमीडिएट। पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन में क्या होता है, जब सबस्ट्रेट टूटता है तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अभी कौन सा इंटरमीडिएट बना है, प्लस चार्ज है, आर के मतलब होता है कार्बन ग्रुप, कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब होता है कार्बो केटायन, मतलब अल्काइल ग्रुप पे प्लस चार्ज मतलब ये हो गया कार्बो केटायन, इंटरमीडिएट क्या बन गया है कार्बो केटायन। अब चलो देखो दूसरा पार्ट, स्टेप नंबर वन में आते हैं हम लोग, स्टेप नंबर वन के बाद टू में आते हैं। स्टेप नंबर टू में क्या होता है, जैसे ये प्लस चार्ज बन गया है, अब ये प्लस चार्ज है आपका, अब ये न्यूक्लियो फाइल नहीं है ना, ये न्यूक्लियो फाइल अब क्या करेगा, प्लस से अट्रैक्ट करेगा, प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा,
अब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, जैसे अभी Nu है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस और ये प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्ड भी धीरे धीरे बनेगा, तो धीरे धीरे बनेगा तो बनते बनते सिचुएशन को भी बोला जाता है हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको बोलेंगे अगर बॉन्ड नहीं बना, भी बॉन्ड बन ही रहा है तो बॉन्ड बन रहा है डॉट डॉट डॉट, इसको एन यू, इस पे माइनस चार्ज, इस पे क्या हो गया प्लस चार्ज, इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अभी पूरा तरह से बना नहीं है, जब पूरा तरह से बन जाएगा तो इस पे पूरा माइनस और पूरा प्लस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ रहा है ना, अभी जुड़ने वाला सिचुएशन को बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट वन, ये ट्रांजिशन स्टेट टू हो गया, जब फाइनली ये बन जाएगा तो बन गया आपका एन यू, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोल देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो बात करेंगे दो स्टेप में हुआ है, पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप हुआ ये। अब दोनों स्टेप में बात करेंगे, पहला स्टेप जो हुआ है ये बॉन्ड टूटा है तो धीरे धीरे टूटा है, टूट के क्या बना है इंटरमीडिएट बन गया है, दूसरा स्टेप में क्या हुआ इंटरमीडिएट और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्ट कर रहा है तो धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट टू हुआ। जब जैसे पूरा दोनों बन जाएगा तो बन जाएगा ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट ये रिएक्शन जब करवाए इसको सबस्ट्रेट बोले, ये न्यूक्लियोफाइल बने, ये दोनों रिएक्शन करके ये बन गया, ये पूरा रिएक्शन कितना स्टेप में हुआ है, दो स्टेप में, ये पहला स्टेप हुआ ये दूसरा स्टेप हुआ, पहला स्टेप में सबस्ट्रेट टूट गया, टूट करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा स्टेप में क्या हुआ है इंटरमीडिएट और न्यूक्लियोफाइल आपस में अट्रैक्ट करके क्या बनाया है प्रोडक्ट बनाया। तो कोई भी रिएक्शन अगर करवा रहे हैं उसमें एक इंटरमीडिएट बन जा रहा है, और इंटरमीडिएट बन रहा है तो सर कितने टाइप से रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकते हैं, अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन अगर करवा रहे हैं हम लोग तो इंटरमीडिएट कितने टाइप से बन सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन अभी करवाए हैं तो इसमें हम लोग देखें कि एक इंटरमीडिएट बना जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आर के मतलब होता है कार्बन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज के मतलब हुआ कार्बोकेटायन, अब कार्बोकेटायन है तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बन गया है कार्बोकेटायन। तो बोले रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, तो क्या होते हैं जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें बीच में जो फॉर्मेशन होता है, बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उसी बोलते हैं लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितने टाइप से हो सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ये बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, जैसे कार्बोकेटायन हो सकते हैं, कार्बेनायन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कार्बिन हो सकते हैं, नाइट्रिन हो सकते हैं और बेंजाइन भी हो सकते हैं। तो अब क्या बात करें हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हुआ, कैसे जनरेट हुआ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो कोई भी रिएक्शन करवाएं उसमें रिएक्शन के बीच वाला स्टेप में एक ऐसा प्रोडक्ट आया जो इंटरमीडिएट कहलाया, इंटरमीडिएट को बोलते हैं हम लोग दूसरा स्टेप में। पहला स्टेप क्या हुआ, जब कोई भी सब्सट्रेट टूटता है तो टूटने टूटने सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जब टूट जाता है तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, इंटरमीडिएट सर जैसे बना तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, इसको जुड़ने वाला सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेप फास्ट होगा, कौन सा स्टेप स्लो होगा, तो जो भी टूट रहा है, कोई भी जो चीज है टूटना नहीं चाहता है, टूटने से अनस्टेबल होता है, ये जुड़ रहा है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, ये टूट रही है तो ये स्टेप आपका हो गया स्लो स्टेप हो गया, ये स्टेप आपका हो गया फास्ट स्टेप हो गया। अब इंटरमीडिएट समझ में आ गया कि बीच वाला सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या इंटरमीडिएट, कितने टाइप से होंगे इंटरमीडिएट, अब डिसाइड करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कितने टाइप से होंगे और उसका डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग। तो लिखा जा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप से हो सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में पहला आता है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, दूसरा आता है कार्बेनायन, एनायन, तीसरा आता है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, चौथा आता है आपका कार्बिन, पांचवा आपका आएगा नाइट्रिन, छठा आपका आएगा बेंजाइन, बेंजाइन। इतने ही टाइप से होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहला हो गया कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन और ये आपका हो गया बेंजाइन। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटायन क्या होते हैं, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बोकेटायन के बारे में, कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कार्बोकेटायन वैसा स्पेसीज, वैसा स्पेसीज
जिसमें कार्बन एटम पे प्लस चार्ज रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल जैसे हमारा ये हो गया CH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द स्पेसिस कंटेनिंग ऑन पॉजिटिव, द स्पेसिस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम आर कोल्ड कार्बोकेटायन। तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द स्पीसीज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम आर कोल्ड कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया जैसे ये पॉजिटिव चार्ज H, ठीक है, कार्बन पे प्लस चार्ज हो गया तो इसको हम लोग कार्बोकेटायन। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH3 पॉजिटिव। ये हो गया कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल। अब ये कार्बोकेटायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं? तब कार्बोकेटायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलो जैसे ये कार्बन प्लस चार्ज है, ठीक है, अभी कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसके पास है। तो देखो ये बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन और दो सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट के लिए दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब कार्बोकेटायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इसकी जो देने वाली होगी इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, और इलेक्ट्रॉन लेने वाली होगी इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी? घटाएगी। अब बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका स्टेबिलिटी, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता है sp2। क्या होता है आपका? sp2। पॉजिटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रहेगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में लोग काउंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? तो जितने भी बताए थे इलेक्ट्रॉन डोनर आइटम, जैसे भी बात कर चुके थे कि अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक है, CH3 मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला आइटम या ग्रुप लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देगा कौन? डोनर ग्रुप। देने वाला बोलते हैं हम लोग डोनर ग्रुप, डोनर ग्रुप होगा। अगर डोनर लगाएंगे इसमें तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यही आइटम में हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगाएंगे, एक्सेप्टर ग्रुप। अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगाते हैं, एक्सेप्टर ग्रुप लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होगा वो घट जाएगी। तो अगर बात करेंगे जो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के जो डोनर ग्रुप होते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और एक्सेप्टर ग्रुप जो होते हैं उसकी स्टेबिलिटी घटाती है। तो अगर स्टेबिलिटी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो डोनर होगा, एक लाइन में डोनर इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? डोनर। लेकिन दूसरे लाइन में लिख सकते हैं एक्सेप्टर ग्रुप जो होगा, एक्सेप्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, केटायन। अब यहां इंपॉर्टेंट हो गया कि डोनर किसको बोल रहे हैं और एक्सेप्टर किसको बोल रहे हैं। तो डोनर किसको बोलेंगे और एक्सेप्टर किसको बोलेंगे वो देखो,
डोनर की बात करेंगे कि डोनर हम लोग कहते हैं किसको, डोनर किसको बोलते हैं, तो डोनर किसको बोला जाता है, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट में होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। देखो डोनर जो होता है वो होता है आपका प्लस एम और प्लस आई, प्लस एम और प्लस आई को हम लोग बोलते हैं डोनर ग्रुप, हम लोग बोलते हैं डोनर ग्रुप। एक्सेप्टर ग्रुप क्या होगा, एक्सेप्टर ग्रुप होगा आपका माइनस एम और माइनस आई, ये दोनों ग्रुप होते हैं डोनर, ठीक है। ये हुए डोनर, ये हो गया आपका एक्सेप्टर ग्रुप। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो डोनर बढ़ाएगा एक्सेप्टर घटाएगा। अब बात करेंगे सर कैसे पहचानेंगे प्लस एम और के माइनस एम, तो पिछले क्लास में हम लोग बता चुके थे, पूरा डिस्कस भी किए थे कि प्लस एम कैसे पहचाना जाता है और प्लस आई कैसे पहचाना जाता है। प्लस आई प्लस एम पहचानने के लिए बताए थे कोई एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस एम कहलाएगा, और माइनस एम पहचानने के लिए कोई भी एटम के बीच में पाई बॉन्ड रहेगा और पाई बॉन्ड में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगी तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनस एम। चलो पहले एग्जांपल लेते हैं कि स्टेबिलिटी पता करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर क्वेश्चन आ गया सी एच थ्री प्लस चार्ज और ये यहाँ पे सी एच टू प्लस चार्ज, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इन चारों में से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। कैसे स्टेबिलिटी पता करोगे, तो हम बताए थे डोनर बढ़ाएगा स्टेबिलिटी एक्सेप्टर घटाएगा। डोनर में प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई एक्सेप्टर ग्रुप होता है, तो डोनर किसको बोलते हैं कि जितने भी अल्का, इसमें देखो रेजोनेंस तो हो रहा ही नहीं है ना, किसी पे लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है तो ये प्लस एम नहीं कहलाएंगे, क्या कराएंगे प्लस आई कराएंगे। प्लस आई कैसे कराएंगे, हम बताए थे जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सभी के सभी होते हैं प्लस आई ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप है मिथाइल का है तो प्लस आई ग्रुप है, तो इसमें प्लस आई ग्रुप कितना लग रहा है, एक प्लस आई ग्रुप है। इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है, दो प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है, इसमें आपका दो प्लस नहीं तीन प्लस आई ग्रुप है, मतलब तीन प्लस आई ग्रुप मतलब तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा किसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपका होगा चौथा, फिर आपका होगा तीसरा, फिर आपका होगा दूसरा और फिर आपका होगा पहला, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में होगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस एम ज्यादा डोनर होता है माइनस आई से, प्लस आई से, ठीक है। इन दोनों में मैग्नीट्यूड जो होगा माइनस एम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा माइनस आई से। अगर पूरा होल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के हम एक नोट्स में लिखेंगे कि अगर कैसे कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा वो प्लस एम, प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद होगा आपका प्लस आई, उसके बाद होगा आपका न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं न्यूट्रल, उसके बाद आपका होगा माइनस आई, उसके बाद होगा माइनस ए। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने का तरीका कि कार्बोकेटायन रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग कैसे देखेंगे। देखते हैं सारा क्वेश्चन हमारे पास कार्बोकेटायन का दिया हुआ, इन दोनों में सबने हम लोग कंपेयर करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए अभी सबसे बताए थे कि स्टेबिलिटी जो होता है डोनर बढ़ाएगा आपका एक्सेप्टर घटाएगा। तो डोनर में सबसे ज्यादा जो पावरफुल डोनर होते हैं वो प्लस एम कहलाते हैं, उसके बाद होते हैं प्लस आई, उसके बाद न्यूट्रल। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग प्लस सबसे ज्यादा होता है प्लस एम, उसके बाद होता है प्लस आई, उसके बाद न्यूट्रल माइनस आई माइनस एम। चलो बात किया जाएगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन दे दिया है, दो कार्बोकेटायन है दोनों में हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। तो देखो ये हमारा क्या है सी एच थ्री है, तो सी एच थ्री जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ओ प्लस आई ग्रुप होते हैं। अब बात करेंगे सर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस आई के माइनस आई, लोन पेयर है लोन पेयर आ गया तो क्या कराएगा आपका माइनस प्लस एम। अगर लोन पेयर आना आता है तो प्लस एम कहलाता है और ये होता है प्लस आई। दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो हम बताए थे मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन बढ़ाता है प्लस एम। तो प्लस एम स्टेबिलिटी ऑर्डर जो अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा
सेकेंड वाला क्वेश्चन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन से। अब इन दोनों में बात किया जाएगा तो इन दोनों में से बात करते हैं, एक कार्बोकेटन ये भी कार्बोकेटन, यहाँ पे जो लगा हुआ है ग्रुप इसको बोलेंगे हम लोग प्लस आई क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, और फ्लोरीन जो होता है क्योंकि कार्बन से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये हो गया आपका माइनस आई, ये यहाँ माइनस आई है और यहाँ पे है प्लस आई, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा होता है प्लस एम, प्लस आई, न्यूट्रल, माइनस आई और फिर माइनस एम, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया प्लस आई, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका हो गया फर्स्ट ज्यादा होगा सेकेंड से। नीचे आते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर इसमें तीन के साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल मतलब प्लस आई ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई ग्रुप होते हैं, अब यहाँ पे देखो दो साइड से प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई लगा दिए और एक तरफ है ऑक्सीजन पे लोन पेयर, लोन पेयर के मतलब क्या हो गया प्लस एम, अब देखो दोनों प्लस आई है यहाँ पे प्लस एम है, लेकिन प्लस एम जो होते हैं ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसका ज्यादा हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हमारा सेकेंड का ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट नंबर से। आते हैं नीचे वाला क्वेश्चन में, नीचे मतलब ये हुआ ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, अब मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप में से ये हो गया आपका प्लस आई, ये भी आपका हो गया प्लस आई, ये भी आपका हो गया प्लस आई, अब यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप में ये भी प्लस आई, लेकिन इधर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कहलाता है प्लस एम कहलाता है, इसमें प्लस आई लगा हुआ है इसमें प्लस एम लगा हुआ, तो प्लस एम लगा हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी, प्लस एम वाला का स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा आपका सेकेंड का ज्यादा होगा किससे फर्स्ट से ज्यादा होगा। यहाँ पे आते हैं, चलो दोनों में क्या फर्क है डिफरेंस क्या है, ये भी कार्बोकेटाइन है ये भी कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बन एक दो तीन चार है इसमें एक दो तीन चार है, दोनों में फर्क है, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा हुआ है, अब फ्लोरीन क्या कहलाता है माइनस आई, ये भी आपका माइनस आई है ये भी माइनस आई है, अब बात यह है कि माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अगर डिस्टेंस अगर आपका कम रहेगा तो उसका इफेक्टिव ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इफेक्टिव क्या होगा कम हो जाएगा, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या कर रहा है घटा दे रहा है, लेकिन ये पास से खींच रहा है तो ज्यादा खींचेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस ज्यादा है कार्बोकेटायन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा होने से इसकी खींचने की कैपेसिटी कम हो गई है, और खींचने की कैपेसिटी कम हो गया है और इसमें खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है, और जो कार्बोकेटायन के इलेक्ट्रॉन खींचती है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन इन दोनों में बात करें कौन ज्यादा स्टेबल है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट का ज्यादा हो गया किससे सेकंड से, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट का ज्यादा स्टेबल होगा किससे सेकंड से, वजह क्या है क्योंकि ये जो फ्लोरीन है खींच रहा है और खींचने की कैपेसिटी इसका कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, इसके पास खींचने की कैपेसिटी ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम है। नीचे वाला क्वेश्चन में आते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन में क्या है सर, ये OH है, ये कार्बोकेटाइन है कार्बोकेटाइन, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसमें ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है लोन पेयर है, लोन पेयर के मतलब वो प्लस एम, प्लस एम जो होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है, तो दोनों में अगर बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो दो का ज्यादा स्टेबल होगा किससे वन से, वजह क्या है क्योंकि इसमें प्लस एम ग्रुप लगा हुआ, प्लस एम ग्रुप जो होता है स्टेबिलिटी बढ़ाती है। इन दोनों में बात करेंगे हम लोग, OH है, OH के मतलब होता है प्लस एम क्योंकि लोन पेयर है, और NO2 बहुत पावरफुल माइनस एम है, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है और इसमें खींचने वाला नहीं देने वाला ग्रुप है, और ऑलरेडी प्लस चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कमी है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे पहला ज्यादा स्टेबल होगा किससे दूसरा से। आते इस वाला क्वेश्चन में, ये हमारा NO2 है, यहाँ भी NO2 है, अब दोनों में क्या फर्क है, NO2 देखो एक चीज बताए थे, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, सॉरी इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं हम लोग पारा, अगर पारा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं होने से क्या हो रहा है ना प्लस एम काम करेगा ना आपका माइनस एम काम करेगा, तो NO2 है ना माइनस एम काम करेगा तो माइनस एम काम नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई काम करेगा, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस एम भी काम करेगा और ये खींचेगा तो माइनस आई सब जगह पे काम करेगा, वो रेजोनेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों जगह काम कर रहा है, तो बताइए आप किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी लगा हुआ है, इसमें दो चीज मिलकर खींच रहा है माइनस एम और माइनस आई, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस आई खींच रहा है, इसके पास खींचने की कैपेसिटी ज्यादा हो गया मतलब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसमें खींचने की कैपेसिटी कम हो गई, और खींचने की कैपेसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो फर्स्ट का ज्यादा स्टेबल होगा किससे सेकंड से, क्लियर हो गया। आते हैं नीचे वाला क्वेश्चन में, नीचे वाला क्वेश्चन में हमारा ये ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, ये भी मेटा हो गया, इधर मेटा इधर भी मेटा,
अब मेटा पोजीशन पे जो होते हैं, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होते, रेजोनेंस नहीं होता है तो वहां माइनस एम काम नहीं करता है, माइनस एम काम नहीं करेगा, सिर्फ माइनस आई काम करेगा, माइनस आई काम करेगा। लेकिन ये हो गया पैरा, पैरा पे क्या होता है, माइनस एम भी काम करेगा, माइनस आई भी काम करेगा। लेकिन यहाँ माइनस आई एम काम कर रहा है, मतलब माइनस आई लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी बढ़ जा रही है। अब बढ़ जा रही है, इसकी अनस्टेबिलिटी भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपका होगा 1 > 2 होगा। और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको नोट किया जाए। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगी, ठीक है, दोनों कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन में देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन पाई है, पाई मतलब रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है मतलब क्या लग रहा है, ये प्लस एम लग रहा है। अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन मतलब सिर्फ कार्बन है, पाई बॉन्ड नहीं है ना, मतलब सिर्फ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का तो क्या लग रहा है, प्लस है। अब इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी होना चाहिए, जो हम रूल बताएंगे उसके अनुसार से स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा आपका 2 का ज्यादा होगा फर्स्ट से ज्यादा होगा, क्लियर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से ज्यादा होगी, ये सही ऑर्डर है। वजह क्या है, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे हम इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वाइज कंजुगेशन भी बोला जा सकता है इसको। जैसे ये हमारा सी है, प्लस चार्ज है, ये क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना, इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके इसमें क्या होना है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल वाइज कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस होता है, इसका एक ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल से रेजोनेंस होने लगता है, और इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल, इन दोनों आपस में क्या होने लगता है, रेजोनेंस होने लगता है। तो ऑर्बिटल वाइज रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हम लोग ऑर्बिटल वाइज कंजुगेशन भी कर सकते हैं, ऑर्बिटल कंजुगेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, मतलब जिसके पास डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक चीज और बताना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा है ये, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये एक नंबर है हमारा, ये 2 नंबर है, और ये आपका 3 होगा। सब में डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो डांसिंग रेजोनेंस किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा है इसलिए ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें ज्यादा सर प्रोपाइल ग्रुप है, साइक्लो प्रोपाइल, इसका डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर का, फिर सेकेंड नंबर का, और फिर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर का, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर बात करेंगे हम लोग सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं तो डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्लियर हो गया। अब डांसिंग रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तब क्या किया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। कैसे पता करोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों में क्या बोलना, अब दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में से यहाँ पे देख सकते हैं ना, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे एक तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, तो जाहिर बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी 2 की ज्यादा होगी 1 से। और एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर कार्बोकेटायन है, इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड, और ये एरोमेटिक केटायन, इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक केटायन, एरोमेटिक केटायन, और एरोमेटिक केटायन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक,
एटम से, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक केटायन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो अगर आप बात कर सकते हैं नोट में लिखना, आगे जाके कई काम देगा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर और एरोमेटिक केटायन, एरोमेटिक एरोमेटिक केटायन इज मोर देन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक केटायन ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक कंपाउंड से। ये हुआ हमारा केटायन का स्टेबिलिटी पता करने के लिए। अब हम लोग पता कर लिए केटायन का स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, अब बात करेंगे इसकी रीअरेंजमेंट के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब हेडिंग लिखा जाए रीअरेंजमेंट ऑफ